हाय फ्रेंड्स नमस्ते। चलो फ्रेंड्स आज स्टार्ट कर क्वेश्चन टॉप 18 जीके। तो ये जीके रे 8टा जीके ता भितर जाके बोधुए मु 20-25टा जीके कवर करिने भी। तो चलो स्टार्ट करिबा आज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु एड्रेस आज विजार्ड ऑफ हॉकी। हमें विजार्ड ऑफ हॉकी कहा को कहे? तो फ्रेंड्स द राइट आंसर हो मेजर ध्यानचंद। ओके फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद को हमें विजार्ड ऑफ हॉकी कहे। He was the star player of 1928 to 1932, gold medalist Olympic team of India। जहाँकि से जी मेजर ध्यानचंद 1928 रु 1932 मसीह ओलंपिक टीम आम इंडिया तरफ ओलंपिक खेली थे जेकि गोल्ड मेडल पाई। ओके फ्रेंड्स, इन 1936 ओलंपिक ही वाज द कैप्टेन एंड वन सेकेंड ऑन द गोल्ड। ओके फ्रेंड्स, 1936 मसीह मेजर ध्यानचंद आम इंडिया रो हॉकी टीम रो कैप्टेन होते आई वर्ष पुनः एक गोल्ड मेडल पाई। ओके फ्रेंड्स, ही वाज नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी फॉर हिज फेनोमेनल ड्रिबलिंग स्किल एंड हिज इफर्ट। तांकर भल खेल इफर्ट पाईं आम विजार्ड ऑफ हॉकी कही था। से पद्म विभूषण से पुरस्कृत पाई। द नेशनल हॉकी स्टेडियम इन न्यू दिल्ली इज नेम आफ्टर हिम। नेशनल जो हॉकी आम स्टेडियम अच्छी दिल्ली में जहाँकि ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम जो कहुए नाम अनुसार कराई। ओके फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द निकनेम ऑफ विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद निकनेम कौन? द राइट आंसर हो फ्रेंड्स लाइटिंग किट। ओके फ्रेंड्स, तो लाइटिंग किट कहीं कहुए? तो ये हम विश्वनाथ आनंद विषय अधिक किसी जानवा। विश्वनाथ आनंद नोन एज भिसी एंड लाइटिंग किट। ओके फ्रेंड्स, आम भिसी आउ लाइटिंग किट कही था। हि इज फॉर्मर वर्ल्ड चेस चैंपियन। से वर्ल्ड रो चेस चैंपियन भाव विवेचित। हि इज द 5-टाइम विनर ऑफ वर्ल्ड चेस चैंपियन। मेजर ध्यानचंद 5 थर विनर होते कौथे ना वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप रे से 5 थर विनिंग होते 6 इयर्स। ये कौन लिखाई? हि डोमिनेटेड द वर्ल्ड चेस फॉर 6 इयर्स फ्रम 2007 रु 2013 माने 2007 रु 2013 पर्यंत से 6 वर्ष आम इंडिया तरफ डोमिनेट होते चेस खेलवाईका। ओके फ्रेंड्स, हि ओन द फर्स्ट एवर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 1991 मसीह। विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी खेल रत्न रे पुरस्कृत होते। ये सब गोटे गोटे क्वेश्चन फ्रेंड्स। इन 2007 हि वाज प्रेजेंटेड विथ पद्म विभूषण। ओके फ्रेंड्स, पद्म विभूषण ये गोटे वार्ड आसूस पद्म विभूषण। पद्म विभूषण मानने कौन फ्रेंड्स? ना पद्म विभूषण हूँ आम इंडिया रो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फास्ट कौन? पद्मश्री। नेक्स्ट पद्म विभूषण। देन ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। व्हिच प्लेयर ऑफ इंडिया वाज फेमस एज पॉकेट डायनामो। पॉकेट डायनामो राइट आंसर इज के डी यादव। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर के डी यादव। के डी यादव विषय अधिक किसी जाना। के डी यादव ओल्ड नेम वाज पॉकेट डायनामो। पॉकेट डायनामो भाव में के डी यादव को आम जानी था। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट एवर इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट इन आर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कैटेगोरी। हु हैड ओन द मेडल व्हेन ही वाज ओनली 27 इयर्स ओल्ड। जिते बड़े 27 इयर यंग अवस्था से फर्स्ट ओलंपिक मेडल पाई। ओके फ्रेंड्स, 1948 लंडन ओलंपिक रे से रैंक 6 इन फ्लाईवेट कैटेगरी। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आसो के डी कैंपस सॉरी के डी यादव कौन को कैटेगरी रे थिले इन व्हिच कैटेगरी के डी यादव बिलंग्स। तो राइट आंसर फ्लाईवेट लिखि दूसरे आउ थे फ्लाईवेट। ओके फ्रेंड्स, फ्लाईवेट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रिटायर्ड एज असिस्टेंट कमिशनर ऑफ पुलिस। असिस्टेंट कमिशनर ऑफ पुलिस बेल को सी रिटायर्ड करते। ही वाज ऑनर्ड एज अर्जुन अवार्ड। ये क्वेश्चन आसो अर्जुन अवार्ड के डी यादव अर्जुन अवार्ड को मसीह पुरस्कृत होते। राइट आंसर 2000 मसीह के डी यादव अर्जुन अवार्ड पाई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज धींग एक्सप्रेस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज VVI वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये। दैट इज द राइट आंसर इज हिमा दास। हिमा दास विषय समस्त जानते। चलो नेक्स्ट विषय अधिक किसी जाना।
हिमादास निंगनेमा धिंग एक्सप्रेस, ही इज इंडियन स्प्रिंटर फ्रॉम द स्टेट ऑफ आसाम। हिमादास गोटे स्प्रिंटर, से कौन थे ना आसाम रु बिलंगस करती। आसाम धिंग इज ए टाउन, ये जो धिंग गोटे टाउन जहाँकि आसाम नागाव डिस्ट्रिक्ट आसाम रु बिलंगस करे, तो से ही अनुसार जेहेतु से धिंग गाँव रु आना धिंग एक्सप्रेस। इज अल्सो नोन आज गोल्डेन गर्ल, हिमादास को मध्य कौन कह जाए ना गोल्डेन गर्ल। इज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड मेडल एट इंटरनेशनल ट्रैक इवेंट, जे कि फर्स्ट वोमेन जे गोल्ड मेडल पाई इंटरनेशनल ट्रैक इवेंट। ये सब गोटे गोटे क्वेश्चन सब गुरा मन रखा निहाती जरूरी। तो चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज गिव द टाइटल इक्विट इज आजाम, किए करते फ्रेंड्स ना को करते इक्विट इल आजिना, मोहम्मद अली जिना वाज गिवेन द टाइटल विकिद ई आजाम एंड बाबाई क्वाम। ओके फ्रेंड्स, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिना आम फर्स्ट जानते जो इंडिया पाकिस्तान डिवाइडेड है से आम इंडिया आ पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल रही थे किए ना मोहम्मद अली जिना। जिना डायड 70 इयर्स से मरी थे जिते बयस होता है 71 इयर्स सेप्टेम्बर 1948 रे जिना मर जाते। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच प्लेयर इज कॉल्ड ब्लैक पर्ल, ब्लैक पर्ल आम क्या कहे ना पिल। ओके फ्रेंड्स पिल का विषय लास्ट अधिक जाना, पिल इज कॉल्ड ब्लैक पर्ल, ही फुल नेम इज एडिसन आरांटे डू नास्किमाटो, बट पीपुल अनफॉर्चुनेटली अफेक्शनली कॉल हिम पिल। ओके फ्रेंड्स, इज नेग्रो एंड दस हाज एर्नड द नेम ब्लैक पर्ल ऑफ फुटबॉल, तो ये आम पिल बिलंगस कर ना फुटबॉल रु। ओके फ्रेंड्स, इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ फुटबॉल, ये भी गोटे मोस्ट क्वेश्चन, किंग ऑफ फुटबॉल आम क्या कौन ना पिल। ओके फ्रेंड्स, इन 1999 ही वाज वोटेड वर्ल्ड प्लेयर ऑफ सेंचुरी बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स IFFHS। यहाँ गोटे क्वेश्चन फ्रेंड्स, IFFHS गोटे अब्रिविएशन, तार फुल फॉर्म कौन ना इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिक्स, यहाँ मन रखा निरी। ही ओन 3 फिफा वर्ल्ड कप, दैट इज 1958, 1962 एंड 70 द ओनली प्लेयर एवर टू डू सो, जे कि जोनी या जड़े मत कह ये केवल ये प्लेयर जे कि तीन थर फिफा वर्ल्ड कप रे जीति। ओके फ्रेंड्स, एंड इज ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर ऑफ ब्राजिल विथ 77 गोल्स इन 1992 गेम्स, जे कि पिल 1992 गेम खेलिक 77 गोल कर प्रथम, से कहा जाए किंग ऑफ फुटबॉल। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन आज गोल्डन गर्ल, आम एटा फास्ट देखी थे गोल्डन गर्ल आम क्या कहते ना हिमादास को। ओके फ्रेंड्स, हिमादास को आम गोल्डन गर्ल कहते, बट एठी हिमादास ऑप्शन नाई, तो किए थे पीटी उषा को मध्य गोल्डन गर्ल बोली कहा जाए, तो पीटी उषा इज नोन आज गोल्डन गर्ल। ही इज ऑफन कॉल्ड क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, पीटी उषा को कौन कहा जाए क्वीन ऑफ ट्रैक। ओके फ्रेंड्स, एंड हैज बीन निकनेम्ड पियोली एक्सप्रेस, आ मध्य कौन कहा जाए पियोली एक्सप्रेस, पीटी उषा को पियोली एक्सप्रेस कहा जाए, हिमादास को धिंग एक्सप्रेस कहा जाए। ही सी बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन वोमेन टू रीच द फाइनल ऑफ ओलंपिक इवेंट व्हेन ही ओन द सेमीफाइनल्स इन 1984 ओलंपिक एट लॉस एंजेल्स। ओके फ्रेंड्स, प्रथम फास्ट वोमेन जे कि ओलंपिक रे खेली थे। ओके फ्रेंड्स, ही वाज ओन एज मेनी 101 इंटरनेशनल मेडल्स टिल नाउ एंड एम्प्लॉयड इन साउथर्न रेलवे एज एन ऑफिसर, वर्तमान पीटी उषा कौन करा रेलवे ऑफिसर थिबा सहित 101 इंटरनेशनल मेडल पाई सारे। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द निकनेम ऑफ मिल्खा सिंह, आम समस्त जाने राइट आंसर इज फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह विषय अधिक किसी जाना, मिल्खा सिंह अल्सो नोन आज फ्लाइंग सिख, द फ्लाइंग सिख इज द टाइटल बेकोटेड टू हिम बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल वैफ खान, जिते बड़े आम समस्ते मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह भाग मिल्खा भाग फिल्म देखिए समस्त किसी ना कि आईडिया अच्छी, जो पाकिस्तान इंडिया
रनिंग चंपिन होते तो सही जेनेल पाकिस्तान जेनेल थे अक्यूब खान जेक फ्लाइंग सिख निकनेम देते। ओके फ्रेंड्स ही इज फॉर्मर इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर ही रिप्रेजेंटेड इंडिया 1960 समर ओलंपिक रे इंडिया को रिप्रेजेंट करते रोम एंड 64 समर ओलंपिक्स टोक्यो 64 टोक्यो रे एंड 1960 रे रोम रे इंडिया पाई से प्रेजेंट करते। ही वाज द फर्स्ट इंडियन मेल एथलेट टू विन द इंडिविजुअल एथलेट गोल्ड मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम रे से गोल्ड मेडल पाई। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फुटबॉल प्लेयर द पॉपुलर नोन एज CR7 CR7 का फ्रेंड्स कह जाए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके फ्रेंड्स रोनाल्डो CR7 बोली कहा जाए ही इज नोन बाय दैट नेम बिकॉज ही वेयर्स जर्सी नंबर 7 तांको इतपें काहेकि से CR7 कह जाए ना तांको जर्सी नंबर 7। ही इज करेंटली प्लेइंग फॉर द स्पैनिश क्लब रियल मैड्रिड ही वाज पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड स्क्वाड दैट ओन UEFA चैंपियन लीग 2014, 2016 and 2017 करके। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फेमस इंडियन क्रिकेटर इज नोन आज